जी ठीक है, मैं बोल रही हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, यहाँ इब्रार नाम के पेशेंट एडमिट है, कैन आई सी हिम? उन्हें तो यहाँ से परसों रात को ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। व्हाट? एक्सक्यूज मी मैम, अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं हो सकते थे। तो आपने डिस्चार्ज कैसे कर दिया उन्हें? थोड़ी सी भी होप बाकी होती है हमें तो हम लोग आखिर तक कोशिश करते हैं, लेकिन जिन पेशेंट के बचने की उम्मीद ना हो सिवाय दुआ के तो हम उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। ओ, तो वो जिंदा तो होंगे ना? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। थैंक यू मैम। यही गली है क्या? जी क्या पता, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, आपको पता होना चाहिए। जी एक मिनट, एड्रेस दिखाएंगे मुझे आप? जी ये रहे। हम पहुंच गए हैं तकरीबन। थैंक यू। फिक्र नहीं करे, मैं आपका बेटा हूं ना, आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे बाबा। देखो बाबा, रेडी 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 डैडी रेडी रेडी डैडी 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 उठे, डैडी डैडी उठे ना, डैडी 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 प्लीज, डैडी डैडी उठे ना प्लीज, डैडी डैडी उठे ना प्लीज, उठे ना प्लीज डैडी, डैडी में छोड़ के चले गए आप। कौन हो बेटे तुम? मैं इनकी वो भूल जो इन्होंने परसों पहले की थी। इसका मतलब तुम? जी मैं तो इनको जिंदा देखने आई थी पहली बार, मगर तुम इनकी बेटी थी अनफॉर्चुनेटली। तुम क्या ले रहे आई हो यार? तू किसी और की भूल होगी, गंदी नाली का कीड़ा है तू, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। बेटा आइए आइए प्लीज, आप जरा यहीं रुके, मैं पूछ के आती हूँ। नहीं आपकी अम्मी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पहले भी कई बार आया हूँ, सारी बुक्स का पता कौन कौन सी है। पायल बेटा मेरी बात सुनो, पायल बेटा मैं माफी मांगती हूँ भगवान के बिहेवियर के लिए, तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं जानता था सिवाय मेरे। तुम्हारे पापा तुम्हारी पैदाइश के बाद आए थे अपने वालदेन को मनाने के लिए, लेकिन तुम्हारी दादी की शदीद नाराजगी की वजह से, और फिर उन्होंने अपनी जान की कसम दी थी कि वो मुल्क छोड़कर ना जाए और तुम लोगों से कभी कोई वास्ता ना रखे। बेटा मैंने देखा है इब्रार को रातों को रोते हुए तुम्हारे लिए, और उनकी इस कंडीशन को देखते हुए उसे सराहने गया और मैंने तुम्हें पैगाम भिजवा दिया, वो
वो मरने से पहले तुमसे और तुम्हारी वालदा से माफी मांगना चाहते थे। बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। बेटा खुदा के लिए इब्रार को माफ कर दे। Stupid telephone. आया? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे ना। मैं ठीक हूँ मामा, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है? Tell me ना, I'll have a heart attack. मैं ठीक हूँ। तुम अब्रार के पास गई थी ना? हाँ। अरे क्या हुआ? Tell me what happened. मर गया क्या? हाँ मामा। और तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, I'm fine. Why are you crying? He never cared for you or me. छोड़ो, एयरपोर्ट जाओ और कम होम, I'm missing you. Okay mama, I will call you later, please. Just come back. Okay mama, मैं बाद में बात करती हूँ, please. पता नहीं क्यों उसको जाने दिया मैंने। अब कहाँ जाना है मैडम? किसी ट्रैवल एजेंट के पास ले जाएं प्लीज। ट्रैवल एजेंट के पास? किसके पास? कोई भी, कहीं भी। सकीने, किसका फोन आ गया? हेलो जी, नादिर साहब। जी 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 जी, नादिर साहब को पीएनआर ईमेल किया था? यस सर। जी जी, वो तो ईमेल हो चुका है, मैंने खुद किया। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, वैसे भी आजकल ईमेल भी पुराने जमाने की डाक की तरह हो गई है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। मैं फिर भी रीसेंड कर देता हूं। जी मैम, मुझे टिकट कंफर्म करवाना, आप किसी को सजेस्ट कर देंगी प्लीज? मैम आप वहां सामने चली जाएं। ये कौन आ गया? ओके थैंक यू। जी मुझे टिकट कंफर्म करवाना है, मुझे मॉरीशस जाना है। आप प्लीज हैव अ सीट प्लीज। अच्छा मैं चलता हूं तो ओके। आप खैरियत से आई हैं? आई एम सॉरी, आप खैरियत से नहीं आई इसीलिए आप रो रही हैं। आप क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अर्लीस्ट पॉसिबल फ्लाइट फॉर मॉरीशस, एज सून एज पॉसिबल प्लीज। मॉरीशस एज सून एज पॉसिबल। एक मिनट सर, पानी पास करवाना। जी सर। सेकेंडली चेक करो कि मॉरीशस के लिए फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट कब की, एक सीट चाहिए। आप प्लीज पानी लीजिए। थैंक यू। आप कुछ बेहतर फील करें आप? थैंक यू। आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप रो इतना रही थी कि I'm sorry, मैं आपके सामने इस हालत में आ गई, but... नहीं नहीं, इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये शहर ही ऐसा है, यहाँ पे रोने की एक से ज्यादा वजूहात है लोगों के पास, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन किस वजह से रो रहा है। प्लीज आप मेरा टिकट जल्दी से कंफर्म कर दे। हाँ इन्होंने कह दिया, वो भी चेक करके बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, या मॉम, या आई एम फाइन, आई एम ओके। लिसन, I'm a travel agency. Can I call you back? Okay, mom. Bye. अगर आप अपनी मॉम से प्राइवेसी में बात करना चाहते हैं तो आप हमारा कॉन्फ्रेंस रूम यूज कर रहे हैं। नो, हो गई बात, बस आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से भिजवा। मैं सीट का चेक करता हूँ। कुछ अपडेट हुआ? सर मॉरीशस की दो फ्लाइट्स हैं और दोनों ही पैक हैं। कब की हैं अर्लीस्ट पॉसिबल? 8 दिन बाद, वो भी बाय चांस।
एयरपोर्ट पे अकरम साहब को फोन किया? सर कर चुकी हूँ, सारी फ्लाइट्स ओवर बुक हैं। रियली सॉरी, इस वक्त जो फ्लाइट्स का स्टेटस आ रहा है उसके मुताबिक तो 8 दिन बाद सीट अवेलेबल है, वो भी चांस में। 8 दिन बाद? तब तक मैं क्या करूंगी? आप यहाँ कहीं होटल में ठहरी नहीं है या फैमिली के साथ है? Nowhere. I just landed today. आप आज आई हैं और आज ही वापस जाना चाहती हैं? जी, फौरन। अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि रिजर्वेशंस के हालात आपके सामने हैं। कोई होटल सजेस्ट करते हैं फिर? एक्चुअली आप इस वक्त जिस तरह मेरे सामने आई हैं इस लिहाज से मैं आपको कोई भी होटल रेकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता आप किस ट्रेजेडी से गुजर कर आई हैं। गोइंग टू अ होटल वुड बी एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू अनदर वन। मुझे कहीं तो रुकना होगा अंटिल आई गेट द टिकट। हाँ, मिल गया। क्या? मैं एक फैमिली को जानता हूँ, एक माँ है, एक बेटा, एक बेटी है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप उनके यहाँ पेइंग गेस्ट बन जाए। पेइंग गेस्ट? ये होटल से ज्यादा सेफ है क्या? क्या मतलब होटल, वो एक घर है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप परदेश में किसी पराए घर में रह रही हैं। वो पैसे कितने लेंगे? उसकी आप फिक्र मत करें। ठीक है, लेकिन अगर घर या लोग मुझे अच्छे ना लगे तो आई कैन फाइंड अ प्लेस मायसेल्फ। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आई नो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लोग पसंद आए। मगर मैं जाऊं कहां? आई डोंट हैव एनी एड्रेस। मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा वहां। ओके, आई हैव अ कैब। हां तो फिर आप मेरा पीछा कर लीजिए। वैसे तो ये मर्दों की आदत होती है, लेकिन Let's try for a change. Okay. टिकट के जैसे कुछ हो मुझे बताना। बहुत दर्द हो रहा है मेरे घुटनों में। या अल्लाह। वैसे अम्मी मुझे लगता है आपको खुद बड़ा शौक है। किस चीज का? दर्द पालने का। अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती है कि कहीं चला ना जाए। सही तरह दबाओ ना, रुई रखी हाथों में क्या? मैं आपको दबा क्यों? माँ को तो दबाना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि माँ से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए। फिर तो ये भी सुना होगा कि माँ के सामने उफ तक ना करो, चाहे माँ खाली क्यों ना उधेड़ दे। अच्छा, खाल उधेड़ेंगी मेरी? सही है, मैं भी देख लेती हूँ। मेरी खाल उधेड़ने से कोई फायदा नहीं है, चाहे एक जूता भी नहीं बनेगा। हमारी एक क्लाइंट है, मॉरिशस से आई है पाकिस्तान पहली बार। मैं उन्हें घर तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये मेरा घर है। अरे नहीं नहीं, यहीं की है लेकिन रहती वहाँ है, और मैंने उन्हें कह दिया है कि वो यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट रह सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 5,000 से 1 रुपया और नहीं मिलेगा और हम घर के बहुत करीब है, बस पहुँचने वाले हैं। ओके। बिल्कुल भी परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाएं। मैं अली, आपसे बात हुई थी असद ट्रैवल से कुछ देर पहले फोन पे? हाँ हाँ, अली साहब, आए आए, प्लीज आइए प्लीज आइए। आप देखिए कितना खूबसूरत घर है, यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे लॉन है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही घर में रह रहे हैं। और लोगों की तारीफ मैं क्या करूँ, वो तो आप खुद देख के जज करेंगे। ये निदा है, और निदा ये है, पायल इनका नाम है। पायल, पायल, what a wonderful name, बहुत प्यारा नाम है आपका। आइए आइए प्लीज, आप जरा यहीं रुकें, मैं पूछ के आती हूँ। नहीं, आपकी अम्मी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पहले भी कई बार आया हूँ, सारी बुक्स का पता कौन कौन सी है। अच्छा, आई मैं आपको घर दिखा देती हूँ। हाँ आप लोग घर देखिए, मैंने तो देखा था कई बार। अच्छा हाँ, वो आपकी कुछ अमाउंट रहती थी जी। याद है आपके कुछ गेस्ट रहने आए थे, उन्होंने देखे नहीं गए। हाँ हाँ, कितने पैसे थे? अरे ज्यादा नहीं थे, यही कोई 20,000 रुपए। 20,000? मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे, अभी जितने हमें मैं दे दूंगा, बाकी फिर मिल ही जाएंगे आपको। अरे कोई बात ही, मैं तो बस याद दिला रही थी। थैंक यू। दे दीजिएगा, आए मैं दिखाती हूँ, आप यही यही वेट। अम्मी बहुत अच्छी है, तुम बहुत मजा आएगा अम्मी के साथ। एक मिनट। हेलो, देखें भाई, मैंने आपसे कहा ना, हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, हमारे पास कैश है, हम बहुत खुश हैं। मेरे कमरे में मत लेकर जाना। अच्छा ओके, बाय बाय।
पीक्यू को फोन करते रहते हैं, आओ मैं अम्मी से मिलाती हूँ ना तुम्हें, अम्मी बहुत कूल है। अम्मी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ बेटा बैठो। गुड मॉर्निंग अम्मी। ये है पायल, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, रहती है ये दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरिना। आते ही पता चल गया होगा तुम्हें बेटा कि मेरी निदा को भूलने की बीमारी है। जी वैसे भी घर में शोर ना हो तो कब्रिस्तान लगता है, इसलिए तो मैं बोलती रहती हूँ। अच्छा भाई बातें बाद में करना, बेटी को इसका कमरा तो दिखा दो। ओहो अम्मी दिखा दिया है, इसे एक बात कहो, लोग लड़की देखने आते हैं और मैं इसे अम्मी को मिलाने आ रही हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आती, हमारा घर भी अजीब है थोड़ा सा। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए ना। नहीं जी बस चलो। वो सर अब आपकी कुछ पेमेंट ड्यू है। फिलहाल ये 5,000 ले लीजिए। बस 5,000? आप 15,000 दे के जाइए ना, वरना आपकी क्लाइंट को हॉस्टेज बनाना पड़ेगा, आप समझ तो रहे हैं ना। 15,000 मिल जाएंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपने हमें इतनी अच्छी बेटी जो दे दी, बाकी का हिसाब किताब हम इनसे खुद कर लेंगे अगर इन्हें हम कबूल होंगे तो। जी तो मैं चलूं। हम तुम्हें कबूल है ना? हाँ क्यों नहीं, इतने अच्छे लोग किसे कबूल नहीं होते। मुबारक हो, पायल को हम कबूल हैं। बाहर का रास्ता उस तरफ। हाँ वो आपके पास मेरा दूसरा नंबर नहीं होगा वो? हमारे पास है ना आपका फोन नंबर, काफी है। जी काफी है जी। वो बाहर कैब में मेरा सामान है। अरे तुम सुकून से बैठो, आ जाएगा सामान, बैठो बैठो। तुम्हारे लिए जूस वगैरह लाती हूँ अम्मी, कंपनी दे। आप बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। नहीं नहीं शुक्रिया तो आपका बनता है, मैं आप लोगों से रब्ता करूंगा फिर। आज थैंक यू जी। बेचारा कुछ चोरी चोरी क्या देखने की कोशिश कर रहे थे। पायल क्या कर रही है? कुछ ना कुछ तो कर रही होगी जाहिर सी। तू सो तो नहीं रही? अरे नहीं, लेकिन जहाँ आप उसे सूंघ के ढूंढने की कोशिश कर रहे ना वहाँ उसका सामान है, वो खुद नहीं। क्या मतलब वो खुद का है? कहीं ना कहीं होगी, सूंघ के ढूंढ ले। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई समझ? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये वो घर और लोग हैं जिन्हें मैं सिर्फ पिछले 24 घंटों से जानती हूँ। की बात भी मामा, काश काश मैं उनको जिंदा देख लेती तो मैं उनसे पूछती जरूर, इतना बड़ा मजाक क्यों किया हमारे साथ, आपके साथ मेरे साथ। खैर से ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं। जिस शख्स ने जिंदगी में मार दिया हमें उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया। आप फिक्र ना करें, मेरी जैसी सीट हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। बाय। अरे अली, वैसे आप ये चोरी चोरी क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? पायल क्या कर रही है? कुछ ना कुछ तो कर रही होगी जाहिर सी। तू सो तो नहीं रही? अरे नहीं, लेकिन जहाँ आप उसे सूंघ के ढूंढने की कोशिश कर रहे ना वहाँ उसका सामान है, वो खुद नहीं। क्या मतलब वो खुद का है? कहीं ना कहीं होगी, सूंघ के ढूंढ ले। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई समझ? तो फिर मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूंगी, चोर चोर। मैं करूँ ना, बता दो कहाँ है यार।
रिलैक्स, इजी, अपनी सांस के साथ बैठी है। What? अम्मी के पास? इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं है, अपनी बहू का इंटरव्यू ले रही है। निदा? अच्छा ठीक है, आपकी खास क्लाइंट का इंटरव्यू ले रही है अभी। खाना वगैरह ठीक से खा लिया था ना उसने? हाँ हाँ बिल्कुल, बेफिक्र हो जाए, सब खा लिया उसने, लेकिन हमसे आपने नहीं पूछा खा लिया पी लिया। एक काम करो, तुम मुझे कॉल करो, मैं उस कॉल को रिसीव करूंगा, फिर अपना फोन जाकर उनके पास रख दूंगा। अच्छा जासूसी करने को कह रहे हैं? पैसे लूंगी इसके। दिए तो है 5,000। 5,000 अम्मी को साजिश में मिलाने के थे, इसके मैं 3,000 करूँ। 3,000? नहीं यार, बहुत नींद आ रही है, जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है यार, लेकिन याद रखना इस मौके को। हाँ किसी कोर्स की किताब में आ जाएंगे तो जरूर याद रखूंगी। अच्छा जाना यार, तंग ना कर प्लीज। हाँ ठीक है, 3,000 कैश। यार ले लेना अभी। दे चाली तो नहीं है क्या? मतलब यार होता है ना, ईद मुबारक लिखा हुआ था नोटों पे। यार बस कर दो, टाइम जाया मत करो, कॉल मिला मुझे जल्दी। आप मुझे कॉल मिला? एक्सक्यूज मी, तुम मेरी कसम से कंजूस। लो मियां अली, गर्मा गर्म चाय, ताजा ताजा। सर आपने काम का इतनी तकलीफ की सर? अरे तकलीफ इसमें क्या बात है मी, चाय तो फ्रेश करती है, और मेरा मानना यह है कि दुनिया की सबसे अच्छी चाय सिर्फ मर्द बना सकता है। ये तो है सर, औरतें कम कम ही अच्छी चाय बनाती हैं। और अली मियां कैसे चल रहे हैं आपके मामलात? बेहतरीन सर, सारा दिन ऑफिस में बिजी रहता हूँ, वक्त का पता ही नहीं चलता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मियां, कि तुम्हें वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जो वक्त है ना और इसकी इजाद, इसका जवाब तो खुद इंसान के पास नहीं है। लेकिन सर हैरत ये है कि सब चलते इसी के मुताबिक हैं। हाँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यू नो व्हाट, इस दुनिया में जमीन पे जो सबसे बड़ा धोखा तख्लीक किया गया है वो है वक्त, खासतौर पर ये लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। वो कैसे? अरे बाबा टाइम सर्कुलर है, सर्कुलर, इट कम्स बैक, हमेशा वापस आता है, कभी गुजरता ही नहीं, और सूफियों को ये बात पता है, इसीलिए कोई भी साहिब अमल सूफी अगर किसी चीज से आजाद होता है तो वो वक्त। ये तो मैं भी मानता हूँ सर, लेकिन बाज लम्हे ऐसे होते हैं जो आते हैं फिर कभी नहीं जाते। हाँ ऐसे मुझे लगता है तुम एक ऐसे ही लम्हे में उस वक्त खड़े हो। कौन है वो? सर वो अच्छा चलो, नाम नहीं पता तो क्या हुआ, मगर मोहब्बत का हो जाना एक खुद बहुत बड़ा वाकया है। जी सर। चलते रहो मियां, कौन जाओगे? सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ कुछ है जो कुछ कह रहा है। अली बहुत नजदीक की चीजें नजर नहीं आती। खैर ठीक है, ये लम्हा खुशगवार हैरत का है, इसी में रहो। जी सर बस दुआ कीजिएगा। सॉरी मैं सकता है, मैं ज्यादा चाहूंगा। चाय कौन पिएगा, तुम्हारे वालिद भी चाय पी के जाएंगे, क्यों इतनी मुश्किल से बनाई है यार। ये लो पायल। पायल तुम रो रही हो, क्या हुआ, मामा याद आ रही? नहीं बस ऐसे ही, हार का लम्हा सामने आ गया। तो इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी हार को जीत में बदल। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती, हर वक्त मुस्कुराने वाली। हंसना और मुस्कुराना तो तुम्हें होगा, क्योंकि मैं हंसने हंसाए बगैर नहीं रह सकती। पायल मैं एक बात बताऊं, जिंदगी ना एक बहुत नॉन सीरियस चीज है, उसे सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ये लो दूध पियो। दूध? मैं दूध नहीं पीती। अरे कैसी बातें कह रही हो, अम्मी ने मुझे खास तौर पे कहा है कि अगर पायल दूध नहीं पिएगी तो उसकी नाक बंद करके उसके मुंह में डाल। फौरन पियो, अम्मी इंतजार कर रही। अच्छा फिर मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं आंटी से मिल के आके पी लूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना,
ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर अम्मी ने तुम्हारा मुंह सूंघ दिया ना तो दो और ग्लास पीने पड़ जाएंगे। ये चाहती हो तुम? नहीं ना, गुड गर्ल, पियो। पीती हूँ। शर्मिंदा करवा दिया ना मुझे, छत पे नहीं सो सकते थे। मैं गया था छत पर, मच्छर बहुत थे। हाँ, और यहाँ पे पायल पकड़ लिया ना। तो ये आपका घर है? हाँ, ये मेरे भाई है और ये इन्हीं का घर है। ओह गॉश, आपने बताया कि नहीं मुझे? उस वक्त आपकी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको यहाँ आने का कहता तो आप कभी ना मानती, और मैं चाहता था कि आप फौरन किसी सेफ एंड सिक्योर जगह पे पहुंच जाएं। वैसे भाई कम से कम 24 घंटे तो झूठ बोल लेते। झूठ शायद नहीं था ये। अच्छा, बहाना जिसका भरना पड़ेगा आपको जुर्माना। वैसे निदा, तुमने भी क्या एक्टिंग की है। मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा कि जैसे वाकई ये गेस्ट लाते हैं यहाँ पे। वैसे पाल एक बात बताऊं, अगर मैं भाई की जगह होती ना तो तुम मुझे कभी भी ना पकड़ती। भाई ना कभी आप अच्छे चोर बन सकते हैं और ना ही कभी अच्छे जासूस, क्योंकि आपको छुपना ही नहीं आता। पायल, I'm sorry, हमारा बहाना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो तब लगता जब आपके घर वाले अच्छे ना होते। देखिया, यहाँ भी मैंने आपको बचा लिया। मैंने इसकी फीस तो मैं अलग से लूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, नाश्ते का इंतजाम करो यार। छत पे करेंगे यहाँ? निता, पकड़े गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वैसे आंटी, आपने भी पूरा पूरा इस प्लान में साथ दिया मिस्टर अली का। अरे बेटा, मैं अगर इसका साथ ना देती तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी कैसे मिलती? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मत करो यकीन, मत करो, क्या पता ये साजिश हो। निदा निदा, ज्यादा जुबान चलाने की बजाय हाथ चलाओ। चलो नाश्ता लेकर आओ जल्दी से। मैं नाश्ता लेके आऊं? क्यों भाई, वैसे भी भाई ने आज कहा है कि हम बाहर जाके नाश्ता करें। अरे मैंने कब कहा? अरे मुकर गए, नींद में तो बोला था कि नाश्ते पे बाहर जाएंगे। क्यों? क्या मैं नींद में बोल रहा था? क्यों पायल? हाँ वैसे मुंह तो खुला हुआ था, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या हो गया? मैं कुछ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया मैंने? यार वैसे अली भाई, कहा तो बहुत कुछ लेकिन छोड़े। अम्मी देख रही हैं आप इसे, मुझे बताओ मैंने क्या बोला है, वरना सारा दिन परेशान रहूंगा। पायल, क्या मैं वाकई बोल रहा था नींद में? नहीं, मुझे नहीं पता, निदा यहाँ थी, मैं वहां दूर थी। अरे बेटा छोड़ो ना, क्या बोले क्या नहीं। निदा को पैसे दो ताकि शॉपिंग के लिए लेकर जाए पायल को। आंटी मैं शॉपिंग, मुझे नहीं करनी शॉपिंग। अरे बेटा तुम्हें जरूरत नहीं है ना, मुझे तो देना है ना तुम्हें। अम्मी इसके पास वैसे ही बहुत पैसे हैं, इसे पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काफी अमीर है आजकल ये। अरे भाई निदा का तो नया सूट आना है, लड़के वाले जो आ रहे हैं देखने के लिए। अरे वाह, लड़के वाले देखने आ रहे हैं? चल, लड़के वाले लड़कियों को क्यों देखने आते हैं? पार्क जाके देखें, जू जाके देखें, फिर किसी को देखने आ रहे? शादी हो रही है जनाब की। छोड़ो यार। अच्छा भाई जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ,
वरना ऐसे ही ले जाएगी तुम्हें ये। आंटी मैं चली जाओ यार, थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं। हाँ जाओ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये वो घर और लोग हैं जिन्हें मैं सिर्फ पिछले 24 घंटों से जानती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे 24 साल हो गए मुझे यहाँ पे। जीती रहो, ये सब ऐसे ही फरेबी हैं। चलो चलो जल्दी से शाबाश तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इस अजनबी जगह को फिर अपना बना दिया। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ मेरा अपना ही हो। अरे बेटा अपनी है तुम्हारी। चलो शाबाश। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस अली जी। इधर आओ बैठो बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बैठो जी। कब से जानते हो पायल को? सिर्फ कल से। देखो बेटा आप, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम पर शक नहीं कर रही क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हें। अम्मी आपको ये सब कहने की भी क्या जरूरत है? प्यार करते हो पायल से? क्या मुश्किल सा सवाल पूछ रही हैं मेरे से, क्या हो गया आपको? अपने सवाल का जवाब मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया। तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक, वैसे पायल मुझे भी अच्छी लगी है। ये बात तो मैं भी देख सकता हूँ। तो फिर फौरन उसकी माँ से बात करती हूँ। प्लीज ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं भी उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ, आप जनाब से आगे नहीं बढ़ा। वो तो एक मुश्किल वक्त में ऑफिस आई, इसलिए मैं उसे पेइंग गेस्ट बना के यहाँ ले आया। पहले मुझे उसे खुद बात करना होगी। देखो बेटा कुछ चीजें तकदीर हमारे लिए कर रही होती है, हर तकदीर घड़ी की सुइयों की पाबंद नहीं होती। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, सब कुछ बदल सा गया है जब से पायल आई है। लेकिन पहले मुझे उसे बताना होगा। जो बताना पड़े वो मोहब्बत नहीं होती। चल भाई इसका मतलब है तेरा काम तो हो गया। हाँ यार ऐसे लगता है जैसे अचानक हर चीज का मतलब ही बदल गया हो। पता नहीं यार ये मोहब्बत वगैरह हमें तो कभी हुई नहीं, अब तुझे हो रही तो देखते हैं क्या होता है। अगर अभी तुम वक्त लेना चाहते हो तो फिर जब तक वो यहाँ है तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्या मैं अपने घर में नहीं रहूंगा? क्यों? अरे बेटा दिन में बेशक तुम आते जाते रहो लेकिन रात को यहाँ नहीं सो सकते। मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। अपने बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक कोई बाकायदा रिश्ता कायम नहीं हो जाता वो एक गैर लड़की है और ये सब हमारी रिवायात के खिलाफ है। लेकिन अम्मी ये सब होगा कैसे? अगर पायल को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी, कहीं वही ना चली जाए। मैं संभाल लूंगी सब, वैसे भी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, छठे दिन तो वो चली जाएगी और इस दौरान हम उसकी माँ से भी बात कर लेंगे। ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। जल्दी जाओ अल्लाह ने के बाद।
चल भाई, इसका मतलब है तेरा काम तो हो गया। हाँ यार, ऐसे लगता है जैसे अचानक हर चीज का मतलब ही बदल गया हो। पता नहीं यार, ये मोहब्बत वगैरह हमें तो कभी हुई नहीं, अब तुझे हो रही तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे यार, बड़ा ही बदकिस्मत है तू पर। बदकिस्मत ठीक हूँ भाई, वरना तेरी तरह ऑफिस में सो रहा था घर के बजाय। यार तू अम्मी को जानता तो है, वो कह रही है कि जब तक रिश्ता नहीं हो जाता तब तक मैं कम से कम घर में नहीं सो सकता। बात तो ठीक है उनकी, लॉजिक है। पता नहीं यार क्या ठीक है क्या गलत, मुझे कुछ नहीं पता। अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो उन्हें कुछ नजर भी आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हर चीज से बेनियाज हो गया हूं सिवाय पायल के।